अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम लोग कश्मीर पहुँच गए थे कल और आज मेरी कज़न की शादी है, तो हम लोग जा रहे हैं तायबे की तरफ। शादी हम लोग बिल्कुल सादगी से कर रहे थे क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और शादी में जब हम लोग फैमिली मेम्बर्स थे और वो रिलेटिव्स इनवाइटेड थे जो जिसका घर हमारे घर के करीब था, और अब हम लोग पहुँच गए तायबू के घर के घर। बेंच पे बैठी हुई थी तो मैंने ये बादल देखे, जैसे बादल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ी हुई हो, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पे ऐसा भी बहुत से आते हैं कि एक पहाड़ पे धूप होती है और एक पे बादल होते हैं, तो ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तायबू का और हम लोग का घर साथ साथ ही है, हम लोग का घर थोड़ा नीचे करके है और तायबू का थोड़ा ऊपर। ये तायबू के घर की बैक साइड है और ये वाला हम लोग का घर है। और ये सामने जंगल है सारा, जंगल के टॉप पे एक और मोहल्ला है, वहाँ भी लोग रहते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ये बादल माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग हमें और मेरी कज़न का स्टेज हम लोग डेकोरेट कर रहे थे। मार्केट से तो कुछ नहीं लाया था क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था, और रमज़ान से लास्ट रमज़ान पे और महल में वो शॉप्स ओपन हुई थी और यहाँ से शॉप्स बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग ने क्या किया जो घर में जो सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हर घर में ऐसा सामान पड़ा हुआ होता है, तो जो घर में चीज़ें पड़ी हुई थी उनको हम लोग ने जोड़ के हम लोग स्टेज डेकोरेट कर रहे थे। हम लोग मेहंदी के लिए, क्योंकि सादगी से शादी हम लोग कर रहे थे लेकिन लड़की की मेहंदी तो होती है मेहंदी, तो उसके लिए हम लोग स्टेज डेकोरेट कर रहे थे। तो येलो वाली कुछ चीज़ भी नहीं मिली कि हम लोग वो लगाते, लेकिन जो मिला हमने वही लगा लिया। और ये हम लोग का स्टेज बन गया। ये जो फूल वगैरह हम लोग ने लगाई है साथ में गुलदान में पड़े हुए थे, हम लोग ने वो सारे निकाल के यहाँ पे लगा लिए, और माशाल्लाह अच्छा स्टेज बन गया था। ऐसा हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमसे ऐसा बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, हम लोग ने बारात पे भी इसी को रहने दिया, हम लोग ने इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि ये रेड रेड था तो बारात के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा था मैं ज्वेलरी बनाऊंगी यहाँ फूलों की, तो वो वाइट वाले फूल थे एक वो नदी के पास मैंने देखे थे, तो बच्चों को वो मिले नहीं जिन मैंने बच्चों को भेजा था लेने के लिए, तो वो ये गुलाब के फूल ले आए, और ये गुलाब के फूल इतने बड़े बड़े थे, और मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, रोज़ रोज़ बारिश हो रही है तो इसकी पत्तियाँ गिर रही थी, तो मैं इसको पूरे को यूज़ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने क्या किया, इसकी पत्तियों को निकाल के मैंने सिर्फ इयर रिंग्स बना लिए, गजरे वगैरह नहीं बनाए। देखिए कितना अच्छा इयर रिंग बना है, और ये जो तार है ये हम लोग के इयर रिंग के लिए हमें तार ही नहीं मिल रही थी, घर में भी चेक किया नहीं मिली, तो हम लोग वो जाली पड़ी हुई थी जो शीशों खिड़कियों पे लगाई जाती है वो पड़ी हुई थी, तो हम लोग ने उससे एक निकाली तो वो निकल गई ये जो तार, तो ये इस वाले से हम लोग ने निकाली, इस वाली से ऐसे हम लोग ने इसको खींचा और निकल गई इस वाले, जो ये सारा एरिया जो इसका खाली हो गया ये हम लोग ने यहाँ से सारी तार निकाली और अच्छे बन गए थे इसे इयर रिंग। बस ये थोड़ी सी वो ज़िगज़ैग शेप में थी तो हम लोग ने इसको प्लास के साथ सीधा कर लिया था। फिर ये बनाने के बाद हम लोग जल्दी से तैयार हुए क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे थोड़े से, और फिर अभी सब खाना खा चुके थे, फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया था हम लोग ने मेहंदी का, तो हमने कहा हम लोग भी मिलके खाना खा लेते हैं। हम लोग एक सेपरेट रूम में थे, हम लोग कज़न्स मिलके सब खाना खा रहे थे और सब बातें कर रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और अब हम लोग रेडी हो गए स्टेज पे जाने के लिए।
अब हम लोग पहुंच गए स्टेज पे, फंक्शन खत्म होने के बाद सब ने मेहंदी लगवाई और जो बड़े बड़े थे उन सब वह सब लड़के की तरफ चले गए थे, तो हम लोग सब कजने बैठे थे, हम लोग ने मेहंदी लगाई और सब मेहंदी लगा थी, मेरा भी दिल किया तो मैंने जो मेहंदी लगी हुई थी मेरे हाथों पे उसी के ऊपर मैंने कज़न से ट्रेस करवा ली मेहंदी। अब होगी सुबह, सुबह हम लोगों ने सब ने मिलकर नाश्ता किया जल्दी से, नाश्ता करने के बाद हम लोग नीचे अपने घर आ गए थे तैयार होने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो बारात आ गई, मैंने अपने घर से ही बारात की वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली और बारात अब वापस जा रही है, जो भी घर दिखाया है वहाँ से बारात ऊपर वाले घर में जाएगी, तो बारात थोड़े दूसरे रास्ते से जा रही थी तो हम लोग यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ से बहुत करीब था और रास्ता बना हुआ था। और ये वो ड्रेस जो मैंने पहना था बारात वाले दिन, बारात और वलीमा एक ही दिन था क्योंकि ज़्यादा दिन हजूम को इकट्ठा नहीं कर सकते थे यहाँ पे। और बारात उस वाले रास्ते से आई थी घूम के, और अब हम लोग पहुंचे लड़के वाले के घर। मैं सोच रही थी कि अभी बारात नहीं आई होगी लेकिन बारात आ चुकी थी, पहुंच चुकी थी। और ये डोली में हमारा है कि दुल्हन को उतार के किसी बच्चे को डोली में डाल के कमरे से बाहर लेके जाया जाता है, तो वो लेके जा रहे थे और हम लोग खाना खाने आ गए। खाना खाने के बाद मतलब बाहर का जो वेदर था वो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, यहाँ पर रोज़ ही हवा चलती है, देखें कितनी मतलब तेज़ बारिश आई हुई है और हवा चल रही है। तो मेरी कज़न कह हम लोग कह रहे थे कितना मज़ा आ रहा है यहाँ खाना खाते हुए, तो मेरी कज़न कहती है ये टेंट ना होते तो और ही मज़ा आता। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, यहाँ हम लोग ने खाया खाना। और फिर हम लोग जल्दी वापस चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आई हुई थी, बहुत तेज़। हम लोगों ने ऐसे ड्रेसेस पहने हुए थे, मैंने हील भी पहनी हुई थी, तो जब बारिश हो जाती है यहाँ पे बहुत कीचड़ हो जाता है तो चलने ना होता। और हम लोग ठंड जब बारिश होती है तो हवा वैसे ही चल रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती और बच्चों सब ने ठंडे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि हम लोग को नहीं पता था यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होगी और हम लोग बच्चों के गर्म कपड़े नहीं लाए हुए थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी से चले गए वापस। और अब यहाँ से चढ़ तो इजीली मैं गई थी, अब उतरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि चढ़ते हुए इंसान थोड़ा मुश्किल से चढ़ता है और उतरते हुए इंसान भागते भागते उतरता है। और मैंने हील पहनी हुई थी, तो ये ज़ैनब है मेरी भतीजी, तो कहती मैं पापा के साथ चलूँगी, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, वो मुझे चला रही थी, मेरे साथ चला रही थी। यहाँ से मैंने लगाई जंप बारिश थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी अभी। जैसे ही हम घर पहुंचे इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई, हमने कहा शुक्र है हम लोग जल्दी से आ गए क्योंकि बच्चे सारे भीग जाते हैं। और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। वो में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।